अगर आप भी 10 लाख के बजट में थोड़ी बड़ी गाड़ी देख रहे हैं जिसके लुक्स भी अच्छे हों, फीचर्स भी अच्छे खासे हों और इंजन भी अच्छा खासा मिल जाए तो ये कार आपके लिए एकदम परफेक्ट कार है। ये है किया सोनेट का HTK प्लस वेरिएंट एंड ये इस कार का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो मेनली आज की इस वीडियो में इस कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले इस कार के प्राइस के बारे में बता दूं तो इस कार के स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस रखे गए हैं 7.99 लाख रुपीज एक्सशोरूम प्राइस, जिसमें कि आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा। एंड बात करूं इसके टॉप मॉडल की तो वो 13, 14 या 15 लाख के समथिंग भी जाता है। बाकी ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख रहे हैं HTK प्लस वेरिएंट, ये आपको 10.56 लाख रुपीज एक्सशोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। दिखने में और फीचर वाइज ये गाड़ी पूरी ही टॉप मॉडल लगती है। हाँ, वो बात अलग है, टॉप मॉडल के अंदर थोड़े एडवांस फीचर है जैसे कि 360 डिग्री कैमरा एंड एडास जैसे फीचर उसके अंदर मिल जाते हैं, बट वो सब फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सभी बेसिक फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड लुक्स जो है वो कम्प्लीटली टॉप मॉडल वाले ही रहने वाले हैं। एंड अब तो इस मॉडल से ही आपको सनरूफ मिलनी स्टार्ट हो गई है, इवन सेकंड बेस मॉडल से ही आपको सनरूफ मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो सनरूफ को लेकर कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है इस कार के अंदर। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर हमें मिलता है 1 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 118 BHP की एंड 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार फ्रंट व्हील ड्राइव रहने वाली है, IMT वाले ऑप्शन इस कार के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। 6-speed गियरबॉक्स के मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल है। मेनली देखा जाए तो IMT का हिसाब थोड़ा अलग है, उसके अंदर क्लच नहीं होता है, ऑटोमेटिक क्लच आप कह सकते हैं इसे। आइडल स्टार्ट स्टॉप के फीचर मिल जाते हैं। BS6 फेज 2 के हिसाब से कम्प्लीटली रेडी रहने वाली है ये गाड़ी। बाकी ये गाड़ी हमें डीजल इंजन ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है एंड बेस मॉडल के अंदर हमें नेचुरली एस्पिरेटेड वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि कम पावर जनरेट करता है, बट वो भी आपके लिए ठीक है अगर आपका बजट कम है तो। बाकी डायमेंशन वाइज काफी अच्छी खासी है, 2500 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है जिसकी वजह से अंदर के साइड अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक से। तो फ्रंट की साइड आपको 7 की शेप में LED DRLs मिल जाती है जो की सेम आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है, तो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। बस यहाँ पर आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स मिलते हैं LED रिफ्लेक्टर्स की जगह एंड इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में ही दिए गए हैं। नीचे की साइड फॉग लैम्प नहीं है, बस ये LED DRL का ही पार्ट रहने वाली है जो कि फॉग लैम्प कमी काम करती है। एंड यहाँ पर फ्रंट ग्रिल के अंदर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, किया का लोगो मिल जाता है सिल्वर सैटर्न फिनिशिंग में ही। बाकी यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है नीचे की साइड भी। एंड यहाँ पर नीचे की साइड स्किड प्लेट दी गई है रेडिएटर ग्रिल के साथ ही। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं फ्रंट की साइड भी जो कि काफी बढ़िया बात है, इवन टॉप मॉडल के अंदर भी आपको मिल जाते हैं वो सब, तो यहाँ पर भी वो सब कुछ मिल जाता है। एंड ओवरऑल नीचे की साइड जो स्किड प्लेट देख रहे हैं सिल्वर कलर की जो कि इस कार के लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस कर रही है। अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में। तो साइड से देखने में कार काफी ज्यादा बोल्डर डिजाइन की रहने वाली है, बल्कि लुक रहने वाले हैं इसके। साइड की तरफ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको R16 inches के स्टील रिम काइंड ऑफ एलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि एलॉय व्हील जैसे ही लगते हैं एंड इन्हें हम एलॉय व्हील भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर क्लैडिंग्स मिल जाती हैं ब्लैक कलर की मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही जो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा सूट भी कर रही है। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, ब्लैक डॉट ORVM रहने वाला है एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ ORVM है। पिलर्स आपको ब्लैक डॉट मिलते हैं क्योंकि ब्लैक कलर है, तो ओवरऑल कम्प्लीटली ब्लैक कलर ही है, कोई रिक्वेस्ट आंसर नहीं है पैसेंजर साइड भी। बाकी ऊपर की साइड सिल्वर कलर की रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इस कार के लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस करती हैं। बाकी सनरूफ वगैरह प्रॉपर दी गई है जो कि अभी अंदर बैठ के दिखाऊंगा। ओवरऑल साइड लुक ओवरऑल कुछ टाइप के हैं कार के। अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रेयर लुक के बारे में। तो रेयर से देखने में कार काफी ज्यादा स्टाइलिश लगने वाली है। रेयर्स की साइड आपको प्रॉपर कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि इस कार के लुक्स को बहुत ही बढ़िया एनहांस करते हैं, एकदम टॉप मॉडल वाली ही फील यहाँ पर आती है। बाकी ब्रेकिंग लाइट्स एंड इंडिकेटर आपको प्रॉपर LED में ही दिए गए हैं। सोनेट की बैजिंग मिल जाती है यहीं पर ही एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस मॉडल के अंदर मिल जाता है। कोई भी वाइपर वॉशर यहाँ पर नहीं दिए गए, बस डिफॉगर मिल जाता है इस मॉडल के अंदर। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, शार्फिन एंटीना मिल जाता है ऊपर की साइड छोटा सा स्पॉयलर के साथ। बाकी ओवरऑल रेयर लुक कुछ टाइप के निकल कर आते हैं ओवरऑल इस गाड़ी के। 4 पार्किंग सेंसर इस मॉडल के अंदर पीछे की साइड नहीं है, बस 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर है एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। TGDI की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल वाला मॉडल है। बाकी ये ब्रेकिंग लाइट का सेटअप इस साइड दिया हुआ है। बाकी गाइस की सेटअप कुछ तरीके का रहने वाला है इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको किया का लोगो, लॉक अनलॉक एंड बूट एक्स का बटन, होल्ड टू प्रेस द इंजन स्टार्ट का बटन भी मिल जाता है जो काफी बढ़िया बात है। दोनों ही की सेटअप आपको सेम मिलते हैं। एंड अभी बात कर लेते हैं मेनली इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। ड्राइवर साइड के डोर हैंडल पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं फ्रंट साइड एंड यहाँ पर इंटीरियर आपको ब्लैक डॉट फिनिशिंग के साथ मिलता है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल जाएगा। ऑल 4 पावर विंडो मिल जाते हैं एंड बॉटल होल्डर वगैरह सब की कुछ है एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ इसके ORVM से रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है, ट्विटर्स की प्लेसिंग मिल जाती है। तो अंदर की साइड आते ही सबसे पहले इसकी चाबी को जो है यहाँ पर रख देते हैं एंड यहाँ पर इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है।
इसको प्रेस करेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी सोनेट बनी हुई आ जाती है साक्षात, जो कि सिल्वर कलर की है, बट ये ब्लैक कलर की है। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो टैकोमीटर एनालॉग मिलता है। कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आपको चाहिए तो आप इसका अपर मॉडल ले सकते हैं। इस अपर मॉडल में आपको कंप्लीटली डिजिटल पैनल मिल जाता है जो काफी अच्छा लगता है देखने में। इधर की साइड आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है, यहाँ पर जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह के बटन तो यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, एंड यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। सभी टाइप की माइलेज इन्फॉर्मेशन, इंजन टेम्परेचर गेज एंड वार्निंग्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पर शो हो जाती हैं, एंड ट्रिप एट्री बी की नेविगेशन वगैरह भी आपको यहीं पर ही शो हो जाती है। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल कट एंड रिसीव एंड वॉइस कमांड वाला फीचर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है जो कि आप वॉइस कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हिंदी में भी चल जाती है। लैंप वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है ये सनग्लास होल्डर। फ्रंट सीट पर कोई भी मिरर वगैरह नहीं है, बस ये सिंपल सा ही टिकट होल्डर रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको मिरर मिल जाता है, लैंप वगैरह बिना यहाँ पर लैंप क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं। IRVM इसका मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, कोई भी ऑटो डिमिनिशिंग मोड वाला IRVM नहीं मिलने वाला है। बाकी बीच की साइड कोई सबवूफर वगैरह नहीं है, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह इस मॉडल के अंदर नहीं आते हैं। एंड यहाँ पर आपको इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको पार्क असिस्ट का बटन मिल जाता है, पार्किंग सेंसर को ऑफ करने का, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एसी वेंट के ऊपर ही सिल्वर सटन फिनिशिंग मिल जाती है जो कि टेक्सचर काइंड ऑफ लगती है, एंड दिखने में काफी बढ़िया। एयर वेंट की थ्रो वगैरह भी काफी अच्छी खासी ही रहने वाली है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है आपको प्रॉपर, एंड इसकी सभी इंडिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर ही शो हो जाती है। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पर जो है एसी की इन्फॉर्मेशन वगैरह सभी कुछ शो हो जाती है जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। एंड यहाँ की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका माइक की प्लेसिंग हो गई। नीचे की साइड आपको ये पैड दिया गया है जो कि चार्जिंग पैड नहीं है, सिंपल सा आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। अपर मॉडल लेते हैं तो वहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, एंड यहाँ पर ये टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर USB के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस में एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस में मिल जाता है। यहाँ पर मीडिया कंट्रोल सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने फोन को कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ये जो है ये पुराना वाला जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है। अगर आपको नया वाला UI बिल्कुल अपडेटेड चाहिए तो आप इसका अपर मॉडल ले सकते हैं, तो वहां पर आपको जो है कम्प्लीटली अपडेटेड वाला मिल जाता है। बाकी यहां से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड यहां पर हैजार्ड लैम्प का फीचर हो गया, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सभी कुछ ऐसा कुछ है। एंड यहां पर डैशबोर्ड लेआउट जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है आपको। कोई भी डुअल टोन में इंटीरियर इसका नहीं है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल हर जगह यूज किया गया है, एंड ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। डिस्प्ले उठी हुई है जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है, टच पैनल पूरा। एंड यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स जो है वो डिसेंट इनफ स्पेस के साथ मिल जाता है, कोई भी लैंप वगैरह नहीं है, आर्मरेस्ट मिल जाती है यहाँ पर सबसे बढ़िया बात, कोई भी कोल्ड स्पेस नहीं है, सिंपल सा स्पेस रहने वाला है। एंड ये सॉफ्ट टच काइंड ऑफ यहाँ पर लगा दिया गया है। सीट की बात करूँ तो यहाँ पर फैब्रिक सीट अपॉस्ट्रोफी रहने वाली है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है यहीं पर ही। बाकी सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर सिटिंग कंफर्ट जो है काफी अच्छा खासा ही रहने वाला है। हेडरूम मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ बच रहा है। अगर आप 6 फुट से ऊपर के हैं तो आपको फ्रंट सीट पर भी दिक्कत आ सकती है हेडरूम से लेके। बाकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये सीट्स मिल जाती हैं तो आप रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, एंड जो है आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाएगा उसके बाद। अभी मैं इसको बिल्कुल नीचे कर दूंगा तो आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी बात करूं कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है लॉन्ग राइड पर। इस गाड़ी में 200 से 300 किलोमीटर भी आप इजीली चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार काफी ज्यादा कंफर्टेबल कार है। अभी पीछे की साइड का कंफर्ट चेक करते हैं, वहां पर आपको कितना कंफर्ट मिल जाता है। रियर साइड के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं अभी तो पीछे की साइड के डोर पर यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं जो काफी बढ़िया यूजफुल फीचर है गर्मियों के टाइम पर। एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग हो गई, जैसे मैंने आपको बताया 6 स्पीकर हैं इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल, 2 रेडिएटर एंड 4 स्पीकर रहने वाले हैं। सिल्वर सटन फिनिशिंग के साथ इसके डोर हैंडल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर पीछे की साइड कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलती है। पीछे की साइड का कंफर्ट देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की साइड ये लैंप मिल जाता है, एंड कोई भी और अदर लैंप नहीं है, हैंडल्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ मिल रहा है मेरी हाइट के हिसाब से। बीच का हम्प जो है वो काफी उठा हुआ है तो बीच वाले के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। भाई कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, फैब्रिक सीट अपॉस्ट्रोफी मिलने वाली है, एंड बीच वाले पैसेंजर के सीट बेल्ट तो है बट कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं है। एंड ये लैंप मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है तो काफी अच्छी बात है। अब तो बेस मॉडल से ही आपको सनरूफ मिल जाती है, यानी कि सेकंड बेस मॉडल से ही, तो जो कि काफी बढ़िया बात है। बाकी बात करूं हेडरूम के बारे में तो यहाँ पर हम्प की वजह से, सनरूफ वाले हम्प की वजह से डिसेंट इनफ हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से तो बच रहा है। बाकी अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर की है तो आपको दिक्कत जरूर होने वाली है, फिर आपको जो है इस तरीके से बैठना पड़ेगा।
मतलब आराम से बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में आप नहीं बैठ सकते। एंड लॉन्ग राइड पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इवन पर्सनली हमारे पास भी जो है किया सोनेट कार ही है, तो उस गाड़ी में हमने कम से कम 500 किलोमीटर तक का स्ट्रेच किया था, तो 2-3 ब्रेक ही हमने लिए थे मुश्किल से, तो वहां पर मैं कह सकता हूँ कि 100-200 किलोमीटर का स्ट्रेच तो आप इजिली कवर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आती है। तो कंफर्टेबल कार है एंड पीछे की सीट भी काफी कंफर्टेबल ही रहने वाली है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। तो ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में वैसे तो इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट अभी तक इस नए वाले मॉडल का नहीं हुआ है, एंड इसके ओल्ड वाले मॉडल ने जो है 3 स्टार की रेटिंग को अचीव किया था। एंड बेसिकली इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, TPMS जैसे फीचर मिल जाते हैं, सीट बेल्ट सभी पैसेंजर के लिए एंड सीट बेल्ट वार्निंग्स वगैरह आपको सभी कुछ मिल जाता है, EBS विद EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, ESP मिल जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है एंड हिल डिसेंट कंट्रोल इस मॉडल के अंदर नहीं रहने वाला है बेसिकली। एंड सभी बेसिक फीचर इस कार के अंदर रहने वाले हैं, कर्टेन एयरबैग से लेके सिंपल वाले एयरबैग तक सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कार काफी ज्यादा हद तक सेफ ही रहने वाली है। बाकी लुक्स के मामले में काफी ज्यादा स्टाइलिश कार रहने वाली है, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक्स रहने वाले हैं इसके। बाकी स्पेस एंड कंफर्ट के मामले मैंने आपको दिखाई दिया, काफी ज्यादा अच्छा खासा स्पेस रहने वाला है एंड कंफर्ट के हिसाब से भी लॉन्ग राइड पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी के अंदर। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके बताएगा किया सोनेट आपको कैसी लगती है। बाकी अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 10 से 11 लाख के बजट में तो ये कार आपके लिए एकदम परफेक्ट मॉडल रह सकती है, किया सोनेट का HT के प्लस वेरियंट आपके लिए एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। एंड गाइज अगर आप इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी गाइज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।